अब नेक्स्ट टॉपिक ईडीएमई सीरीज में जो पढ़ रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स में, उसमें पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम पढ़ेंगे कि जो ड्रग्स, सपोज दैट ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स हमने एडमिनिस्ट्रेट किया पेशेंट को और ये ड्रग्स ब्लड में चला गया। अब यानी ड्रग्स का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ है, तो ब्लड में है। अब ये यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, ठीक है, जैसे ब्रेन में चला गया ड्रग्स, हमारे लीवर में चला गया, हमारे किडनी में चला गया, और सारे ऑर्गेन्स या स्ट्रक्चर जैसे मसल्स में चला गया, यहाँ पे ये ड्रग्स चला गया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो इसको जैसे देख ले, ये ब्लड वेसल्स था, ठीक, इसमें हमारा ड्रग था, ये लीवर है हमारा, अब ये ड्रग यहाँ गया हमारा। अब बात करते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी की। ड्रग्स जैसा अपने को पता है कि कोई भी ड्रग्स कितना इजीली यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होएगी वहाँ पे ये ड्रग्स आसानी से चला जाएगा, ठीक। तो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला एक लिपिड सॉल्युबिलिटी होएगा। सपोज दैट कि ये जो ड्रग्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, इसके साथ हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ने बाइंड करके इसको बड़ा साइज बना दिया है। सपोज दैट रेड पेन से मैं ड्रॉ करता हूँ, इसमें ढेर सारे प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड कर गए और इसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया। क्या ये अब आगे मूव कर सकता है? नहीं, ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा और कुछ वाटर सॉल्युबल ड्रग्स भी पार कर जाएंगे आयनाइज्ड फॉर्म में। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पहला जो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, वो है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना उतना आसान हो जाएगा। जैसे ब्लड फ्लो ज़्यादा कहाँ होता है? ब्रेन, लीवर और किडनी, इन तीनों जगह ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और ब्लड फ्लो, ये ब्रेन है, ब्लड फ्लो कम कहाँ कहाँ होता है? जैसे आपके मसल्स में हो गया, एडिपोज टिश्यू में हो गया, इन सब जगहों पे ब्लड फ्लो कम होता है। ओके, अब दूसरी बात आती है, दूसरी फैक्टर्स जो अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब कोई ड्रग्स है, ड्रग्स के साथ क्या बाइंड कर लिया? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड कर गया। तो ड्रग्स के साथ जब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड किया, तो ड्रग्स कैसा हो गया? लार्ज साइज हो गया। जैसे यहां हमने बताया, ड्रग्स तो नॉर्मली लो मॉलिक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन ढेर सारे बाइंड कर गए, तो अब ये ज्यादा बड़ा साइज का हो गया, अब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए, तो गौर से देखिए, तो हमने साइन यहाँ पे रिवर्सिबल लगाया, लेकिन जरूरी पड़ने पे, इसका मतलब है कि जरूरी पड़ने पे ड्रग्स जो लार्ज साइज के हो चुके हैं, अब उसमें से प्रोटीन अलग हो जाएंगे और ड्रग्स अलग हो जाएंगे, दोबारा ड्रग्स काम करने लगेगा, ठीक। तो एक फैक्टर हो गया अपना ब्लड फ्लो, दूसरा फैक्टर हो गया प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और तीसरा बात करेंगे बैरियर। बैरियर में भी अगर बात करें हम, तो बैरियर की बात करेंगे तो जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर आपको पहले से पता होगा कि ब्रेन में कोई भी चीज इजीली नहीं जा सकता है। सपोज दैट ये रहा, ठीक, ये आपका ब्रेन रहा और ये सब आपका सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गेन रहा, क्योंकि ये एक सरकमफ्रेंस पे होता है वेंट्रिकल्स के चारों तरफ, ठीक। तो ड्रग वहाँ क्रॉस कर सकती है, अगर ब्रेन में तो डायरेक्ट नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ तक ड्रग आ सकती है। ओके, ठीक, तो सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गेन
के जगह पे सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गेन के जगह पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, तो नो ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक। अब मैक्सिमम ड्रग्स जो होते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं नोजिया वॉमिटिंग। ठीक। तो जो सीटीजेड एक एरिया होता है केमिकल ट्रिगर जोन, वहां तक ड्रग्स पहुंच जाती है और वॉमिटिंग करवा देती है, नोजिया करवा देती है। ठीक। तो मैक्सिमम ड्रग्स नोजिया वॉमिटिंग काउज करती है, साइड इफेक्ट में अपन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो ड्रग वॉमिटिंग को रोकती है, वॉमिटिंग क्वेश्चन आता है कि वॉमिटिंग इज नॉट कॉज्ड बाय विच ड्रग्स, तो वॉमिटिंग जो है वॉमिटिंग नॉट कॉज्ड बाय वॉमिटिंग रोकने वाले ड्रग्स को बोलते हैं एंटी इमेटिक्स और दूसरा होता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एक एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो बहुत फेमस है हेलोपेरिडॉल। कौन सी ड्रग? हेलोपेरिडॉल। ठीक। तो ये दोनों ड्रग्स कभी भी जो है वॉमिटिंग नहीं करवाएगा क्योंकि ये एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स होते हैं। ठीक। अब एक नया टर्म पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भीड़ी से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एक अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटेड अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन PC। ओके। ठीक। अमाउंट कौन सा? जो हमने IV डोज से दिया। ओके। IV डोज से जो हमने अमाउंट दिया अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन निकालने का बेसिक फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों ने, जैसे बात करें 3 कंटेनर है, सारे में कितने लीटर पानी है? 5 लीटर। मैं 5 लीटर इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि अपने बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम होता है अराउंड 5 लीटर के अराउंड होता है, इस वजह से मैंने इसको 5 लीटर कंसीडर किया है। ओके। अब देखिए 5 लीटर है। अब हमने 100 mg डोज दिया। कितना डोज दिया? 100 mg। ठीक। इसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो VD इसका कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अमाउंट हमने दिया कितना, 100 अपॉन प्लाज्मा में कितना चला गया, 100 सारा प्लाज्मा में चला गया। कंसंट्रेशन कितना था? 5। तो ये आ गया 5, ये 20, ये 5 लीटर आ गया। यहाँ पे भी हमने डोज दिया 100, यहाँ पे भी हमने इस पेशेंट को भी डोज दिया हमने 100। ओके। अब सारे पेशेंट को हमने डोज 100 दिया है। ठीक। इसमें जो है 50 mg जो है प्लाज्मा में चला गया और 50 mg नहीं दिया प्लाज्मा में। और बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो इसमें जो है 10 mg जो है प्लाज्मा में गया और प्लाज्मा में नहीं गया, यानी 90 यहीं रह गया और 10 प्लाज्मा में चला गया। ठीक। तो इसके लिए VD कैलकुलेट करेंगे, दिया कितना हमने 100। ठीक। और गया कितना प्लाज्मा में, तो 50। फिर से करेंगे, ये 10, ये 0, तो ये 10 लीटर हो गया। अब इसमें VD कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट हमने कितना दिया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो हमने जो प्लाज्मा में गया, प्लाज्मा में कितना गया, 10, तो 10/5, 2, ये आ गया 50। देखिए इसका VD आया 50 लीटर, इसका VD आया 10 लीटर, इसका VD आया 20 लीटर, सॉरी 5 लीटर, 5 लीटर, इसका VD आया 5 लीटर, सॉरी ये तो यहाँ 20 ठीक था। ठीक। ये इसका VD 5 लीटर, इसका 10 लीटर, इसका 50 लीटर। एक चीज तो क्लियर है यहाँ से कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
वीडी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट इन टिश्यू, अमाउंट इन टिश्यू। देखिए यहाँ पे अमाउंट इन टिश्यू 90 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे सारा चला गया, तो अमाउंट इन टिश्यू। या अगर बोले वीडी ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वीडी अगर किसी चीज का ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, यानी दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एक ड्रग्स की बात करेंगे हम, बहुत फेमस ड्रग है क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विनोन बहुत फेमस ड्रग है जो एंटी मलेरियल ड्रग है। देखिए ये ब्लड वेसल्स, ये आपका लीवर, यहाँ पे आपका कहीं आरबीसी बाइकनकेव शेप का, और इसमें आपका क्या रखा हुआ है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ढेर सारा है। अब बताइए हमने एक ड्रग दिया 100 मॉलिक्यूल दिया ड्रग्स का, वो ड्रग्स का 100 मॉलिक्यूल्स आईवी डोज के दिया, तो आईवी डोज के कारण दिया तो हमने इसका बायो अवेलेबिलिटी 100% होएगा। यहाँ पे भी 100 मॉलिक्यूल आया और ये 100 मॉलिक्यूल यहाँ पे चला गया, पर हमको जो जरूरी है इस क्लोरोक्विनोन का वो आरबीसी में है, लेकिन ये ड्रग्स तो आरबीसी में आ ही नहीं पा रहा, तो हमने डोज बढ़ाया, हमने 100 के जगह 200 किया, यहाँ पे 200 आया, यहाँ पे 200 के जगह 200 यहाँ पे चला गया, तो फिर आरबीसी के पास नहीं आया, फिर ये प्लाज्मा एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हम। अब यहाँ पे हमने 100 कर दिया, यहाँ पे 1000 कर दिया, यहाँ पे भी 1000 हो गया, यहाँ पे अब 900 ड्रग आ गया, अब लीवर सेचुरेट हो गया इस ड्रग से, अब लीवर ज़्यादा इस ड्रग्स को नहीं लेगा, तो अब यहाँ से 100 ड्रग्स जो है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, अब मलेरिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा अपना। ओके, तो क्लोरोक्विनोन का अब ट्रीटमेंट कर देगा। तो अब क्लोरोक्विनोन के बारे में कुछ बेसिक सी बात है, इसका ड्रग जो वीडी जो है सबसे मैक्सिमम है किसका, क्लोरोक्विनोन का, इसका वीडी कितना होता है, मोर देन 1300 लीटर। और दूसरा ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ शो करता है, मैक्सिमम वीडी इन लीवर, मैक्सिमम वीडी इसका कहाँ पे है, लीवर में होता है, बट साइट इसका कहाँ है, आरबीसी। देखिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ पे हुआ, लीवर में हुआ, वीडी सबसे ज्यादा लीवर में ही हुआ, ठीक, लेकिन इसका जरूरी कहाँ पे है, क्लोरोक्विनोन का आरबीसी में। ओके ठीक, तो यहीं पे दो टर्म आएगा, एलडी लोडिंग डोज, एक टर्म आएगा लोडिंग डोज और दूसरा आएगा मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज क्या होता है और मेंटेनेंस डोज क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए मैं इसका डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लिख खुद ही लेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ। लोडिंग डोज का डेफिनेशन लिखिएगा, इनिशियल हाई डोज, इनिशियल हाई डोज गिवन टू स्टार्ट द प्रीफर्ड एक्शन, इनिशियल हाई डोज गिवन टू स्टार्ट द प्रीफर्ड एक्शन। हमने 1000 मॉलिक्यूल दिया क्लोरोक्विनोन का, 900 यहाँ गया, 100 से यहाँ, तो ये जो शुरू में हमने डोज दिया दैट इज लोडिंग डोज, कितना से हमने लोड किया। और एलडी का जो फॉर्मूला होता है, ये एलडी का जो फॉर्मूला होता है, ये लिखना है अपने को, ये होता है वीडी इंटू पीसी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक, तो एलडी इज इक्वल्स टू वीडी इंटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जबकि मेंटेनेंस डोज की बात करेंगे तो मान लीजिए ये ड्रग्स हमारे बॉडी से एलिमिनेट होंगे लीवर के थ्रू, किडनी के थ्रू, किडनी में एक टर्म आप पढ़ते होंगे आप लोग, क्लियरेंस, तो मेंटेनेंस डोज जो होता है क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये आपका दो टर्म हो गया। तो क्लोरोक्विनोन का वीडी सबसे ज्यादा होता है, लीवर में मैक्सिमम होता है, साइट आरबीसी हो गया, एलडी वीडी, एलडी इक्वल्स टू वीडी इंटू पीसी, एमडी इक्वल्स टू क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके थैंक यू।